नमस्कार दोस्तों, गार्डियन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त माधुरी। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप घर पे, ये देखिए ये डबल पेटल इम्पेशन है, इसको लगाएंगे, केयर करेंगे, कौन सा फर्टिलाइजर देंगे और इसको कैसे बहुत सारा प्लान बनाएंगे, उसी के बारे में भी वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं पॉट की साइज़ के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक हैंगिंग पॉट में लगाया है प्लास्टिक की और एक मिट्टी के पॉट में लगाया है, तो ये प्लान आप दो तरह के पॉट में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट में भी और मिट्टी के पॉट में भी। फ्रेंड, इसका जो रूट है वो बहुत डीप तक नहीं जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा पॉट की आपका ज़रूरत नहीं है, 8 इंच का पॉट जो है वो ठीक रहेगा। फ्रेंड, ये देखिए मेरा 10 इंच का पॉट है, इसमें मैंने 2 प्लांट लगाए हैं। अभी बात करते हैं सॉइल मिक्सिंग के बारे में। ये जो प्लांट है इम्पेशन, ये बहुत ही वेल्डन सॉइल मिक्सिंग पसंद करते हैं। देखिए, मेरा जो ये सॉइल मिक्सिंग है बहुत ही लाइट वेट है और वेल्डन भी है। फ्रेंड, इसमें मैंने 50% कोकोपीट मिलाया है, 30% मैंने इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाया है और 20% मैंने इसमें गार्डन सॉइल मिलाया है, तभी देखिए ये मेरा जो पॉट है वो बहुत ही लाइट वेट भी है और इसका जो मिट्टी है वो बहुत ही वेल्डन है। फ्रेंड, इसका जो फूल है ये देखिए छोटा छोटा गुलाब जैसा लगता है और इसका कलर मेरे पास एक ही है, बहुत ही प्यारा कलर है और ये प्लांट जब फूलों से भर जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इस प्लांट को। फ्रेंड, ये प्लांट जो है ये पूरा सनलाइट में इस प्लांट को मत रखिएगा, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो बहुत ही नरम होता है और उसमें पानी रहता है, इसलिए इस प्लांट को आप शेमी शेड एरिया में रखेंगे जहाँ थोड़ा सा छन के धूप आते हैं तो अच्छा चलेगा आपका प्लांट। अभी बात करते हैं इसका प्रोपेगेशन के बारे में। इस प्लांट पे सीड होता है, सीड से ये प्लांट प्रोपेगेट होता है और एक तरह से बहुत जल्दी प्रोपेगेट होता है और फूल भी आ जाता है, जैसे मैंने ये प्लांट लगाई है कटिंग से। देखिए, इधर से नया नया छोटा छोटा ये देखिए ये ब्रांच जो निकल रहा है, इसको तोड़ के अगर आप लगा लेंगे मिट्टी में या आप सैंड में बालू में लगा लेंगे तो बहुत जल्दी ही रूट बन जाता है। देखिए, मैं दिखाती हूँ एक। फ्रेंड, इधर देखिए मैंने एक कटिंग से लगाया था ये प्लांट कुछ दिन पहले, ये बहुत जल्दी रूट बना लिया और बड़ा भी हो गया है। अब भी इसको अलग करके लगाऊंगी तो ये अलग प्लांट बन जाता है और बहुत जल्दी ही बहुत सारा प्लांट बनता है। आप बहुत सारे लोगों को ये प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, एक प्लांट अगर आप नर्सरी से खरीद के लाएंगे तो। देखिए फ्रेंड, मैंने ये कटिंग कुछ दिन पहले बिठाया है इसलिए अभी ये रेडी नहीं हुआ है। ये देखिए मेरा सारा कटिंग रेडी हो गया है और उसमें कलियाँ भी लगना शुरू हो गया है। देखिए, मैंने और बहुत सारा कटिंग लगाया है। फ्रेंड, अभी बात करते हैं ये देखिए ये फर्टिलाइज़र के बारे में। ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें मैंने मस्टर्ड केक मिलाया है और कुछ चीज़ मैंने मिलाकर ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। मैं ये फर्टिलाइज़र बना के रखती हूँ और 7 दिन में एक बार मेरा जितना सारा विंटर का फ्लावर प्लांट है और जितना सारा फ्रूट प्लांट है सभी मैं डालती हूँ। देखिए, मैं इसको अभी डाल रहा हूँ। आप जब फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका जो प्लांट है उसका जो रूट है उसे थोड़ा दूर ही डालिएगा। फ्रेंड, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है और इसमें ये यूज़ करने के बाद बहुत जल्दी फूल आएगा और बहुत सारा फूल आएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, स्क्रीन में 2 वीडियो आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है उसे क्लिक कीजिएगा और वीडियो का जो एंड है वो एंजॉय कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।